जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी वो भाग जाएगा। बड़ी चोट लगी हुई है उसको ना। मैं भी अच्छा अंदर ट्रैप हो गए। हाँ कान में कीड़े पड़े हुए, आ रहे हैं कैच। हे थैंक यू जी, पकड़ा गया। अब देखते हैं इसके मैगट सर तक ना पहुंच गए हूं। सर मैं पीपल फार्म से बोल रहा था, आपने कॉल किया था गाय के लिए? हाँ जी सर। हाँ सर मैं आ गया हूँ, गाय के पास हूँ। सुबह भी ऐसे गिरी थी, रात को गिरी होगी। इसके बारे में जब हमें धर्मशाला से कॉल आई तो फिर वो कॉल्स रुकी नहीं, वो सिलसिला चलता ही गया, क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा बैल देखा नहीं जिसके मुंह से गोबर आ रहा हो। अब हम वहां गए और हमने देखा कि इसका जबड़ा टूटा हुआ है, तो जो उम्मीद की एक आध किरण थी वो भी वहीं पे खत्म हो गई। अब हम इसको नहीं बचा सकते थे, लेकिन हम इसको क्यों लाए? और क्या चाह रहा है वो? ऑलरेडी बेचारा पता नहीं बड़ी हाइट से गिर गया, उसका जबड़ा टूट गया, उसके इंटरनल ऑर्गन रप्चर कर गए, मतलब गोबर उसके मुंह से आ रहा है, तो क्लियरली वो तड़प तो रहा था। और ये भी क्लियर था कि हम इसको बचा नहीं सकते, मतलब ये चीज़ किसी आदमी के साथ होती ना तो भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ से चंडीगढ़ जाके PGI अस्पताल में इलाज होता। तो हम इसको लाए कि भाई इसको हम कंफर्टेबल कर देते, अगला ना खाना खा सकता है ना पानी पी सकता है, तो हमने उसको फ्लूइड लगा दिया, हमने उसको पेन किलर दे दिए, उसको थोड़ा मतलब उसकी कष्ट की जिंदगी थी पर मौत आसान हो गई। इधर से इधर जा रहा था बड़ी स्पीड से। कब ये तुम्हें पता था इसके बारे में? पिंकी ने फोन किया था। भैया ले जाओगे शादी? सायरन जब हमारे पास आया तो उसकी हालत बेहद ख़राब थी। उसके नेक और ईयर में एक मैगेट वुंड हो रखा था और इतने ज़्यादा मैगेट्स थे कि वो अपना हेड डाउन करके चल रहा था। तो जैसे वो हमारे पास आता है हमने उसे उसी वक्त जो है मेलोनेक्स पे रखा, एक पेन किलर पे रखा, और साथ में उसके वुंड में हमने मैगेसाइड डाल दिया ताकि जल्दी से वो मैगेट्स वहाँ से मर जाए। तो नेक्स्ट डे से हमने उसके मैगेट्स को मैन्युअली रिमूव करना स्टार्ट किया और एंटीबायोटिक का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसकी कंडीशन जो है ठीक होने लगी है, लेकिन इन्फेक्शन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी ने, कुछ नेबर्स ने इनको खरीदा था। अच्छा। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 4-5 खरीदे थे। ओके। ऑल ऑफ देम डाइड बट सिर्फ ये रह गया था। अच्छा। एंड दे वर प्लानिंग टू थ्रो इट अवे। ओके। सो वी थॉट कि हम इसे ले लेते हैं, हमने इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद हमने हमारे साथ ये 4 महीने से है। कितने ओपन में रहेगा यहाँ पे, कितने खुले खुले में रहेगा यहाँ पे। अब फर्स्ट हाफ में तो चूचू लार्ज एनिमल एरिया में होता है, तो वहाँ पे इसकी सबसे दोस्ती हो गई है राधा से, साहिल से, जो भी सारे एनिमल्स हैं उनसे भी। सेकेंड हाफ में हम इसको वहाँ ले आते हैं जो मटको का पहले एरिया था। अब फर्क ये है, मटको जो है ना वो उड़ नहीं पाता था,
तो उसके लिए इतनी फेंस काफ़ी थी। अब ये जो है ये उड़ जाता है और सेकेंड हाफ में जो है सारे स्पॉट चिली ये सब खुले होते हैं ना, तो इसको कमरे में बंद करना पड़ता है। आई मीन बुरा तो बहुत लगता है पर इसकी खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसको हर बारी अंदर करते हुए बाहर करते हुए हम ट्रीट दे देते हैं ताकि इसकी एसोसिएशन ठीक रहे। फिर भी जो बाहर मुर्गी है ना उससे इसकी लाइफ मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो बेचारे पैदा ही वो छोटे से पिंजरे में रहते हैं और सिर्फ मरने से पहले उनको इस पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। मुझे नहीं लगता कि लोग इस बारे में सोचते हैं या लोगों को ये पता भी होता है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता हो, लोग ये देख सकें ना, मुझे नहीं लगता वो चिकन खा सकते हैं।